दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। ये है देश के रक्षा मंत्री और ये है देश के रक्षा मंत्री का पूरा लाव लश्कर। बीच में देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की गाड़ी और गाड़ी के आगे और पीछे बीजेपी के झंडे। बीजेपी ने देश के रक्षा मंत्री को प्रचार के लिए मैदान में उतार दिया है। रक्षा मंत्री क्यों, बकायदा असम से लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सब बीजेपी के लिए वोट का जुगाड़ कर रहे हैं। सब सड़क पर उतर कर वोट मांग रहे हैं अपनी पार्टी के लिए। अगर आप सोच रहे हैं कि ये तस्वीर गुजरात की है, तो नहीं, ये गुजरात की तस्वीर नहीं है, ये तस्वीर है दिल्ली के निगम चुनाव की। जी हाँ, दिल्ली में MCD चुनाव के लिए बीजेपी के लिए वोट मांगते ये हैं देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। दोस्तों, ये मेरे ख्याल से देश में पहली बार हो रहा होगा कि निगम के चुनाव में, किसी राज्य के निगम के चुनाव में, पार्षदी के चुनाव में देश के रक्षा मंत्री वोट मांग रहे हैं। वो तो प्रधानमंत्री आजकल गुजरात में बिजी हैं, नहीं तो क्या पता यहाँ तस्वीर कुछ और होती। खैर, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बीजेपी खुद भी दिल्ली के निगम चुनाव में वोट PM के चेहरे पर ही मांग रही है। देखिए, ऐसे बड़े बड़े पोस्टर और बैनर दिल्ली में मोदी जी के प्रचार के लिए बीजेपी लगा रही है, जिसकी वजह से मोदी जी के चेहरे पर बीजेपी को वोट मिल जाए। वहीं दूसरी ओर बीजेपी के असम के CM तो दिल्ली की सड़कों पर अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते करते कह रहे थे कि देश को आफताब नहीं, भगवान राम और PM मोदी चाहिए। सोचिए, एक बेचारी लड़की जिसके टुकड़े कर निर्ममता की हद पार करते हुए काट दिया गया, बीजेपी के CM ने न केवल गुजरात चुनाव में बल्कि अब दिल्ली के निगम चुनाव में भी उस मरहूम श्रद्धा के नाम का इस्तेमाल किया है। तो आखिर बीजेपी को यह सब क्यों करना पड़ रहा है? क्यों देश के रक्षा मंत्री को मैदान में उतारना पड़ रहा है, मुख्यमंत्रियों को मैदान में उतारना पड़ रहा है? मतलब मनोज तिवारी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष तो काफी थे, दिल्ली के सांसद भी काफी थे प्रचार करने के लिए। दोस्तों, जिस MCD में पिछले 15 साल से बीजेपी का कब्जा है, उस MCD चुनाव के लिए तो केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली में रक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों की फौज की जरूरत ही नहीं थी बीजेपी को। बीजेपी के पास तो अपना बताने के लिए 15 साल का बहुत काम होना चाहिए था। ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि इस बार MCD में चुनाव गया है फंस। जी हाँ दोस्तों, मैं खुद आपको रोज दिल्ली में MCD चुनाव के पब्लिक ओपिनियन दिखा रही हूँ। दिल्ली में इस बार बीजेपी को आम आदमी पार्टी कांटे की टक्कर दे रही है। आपने केजरीवाल की सरकार, केजरीवाल का पार्षद नाम से कैंपेन भी शुरू कर दिया है। गौर से समझें तो ये बिल्कुल मोदी जी की डबल इंजन की सरकार जैसा सुनाई देता, जो कि काफी लोगों को आकर्षित भी किया। किसी भी राज्य में मोदी जी चुनाव में वोट मांगने जाते हैं तो डबल इंजन की सरकार करते हैं, जो कि लोगों को समझ में आता है। तो बिल्कुल ऐसे ही मेल खाता हुआ अरविंद केजरीवाल का ये कैंपेन। केजरीवाल जितना जोर अब तक गुजरात में लगा रहे थे, उससे भी ज्यादा जोर अब दिल्ली MCD में लगा रहे हैं। आपके लिए दिल्ली में चीजें आसान इसीलिए भी हैं क्योंकि उसका काडर पिछले 8 साल से यहाँ जमा हुआ है। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल से लोगों को शिकायत नहीं, लेकिन मैंने जो अब तक ग्राउंड पर देखा, वो पाया कि लोगों को बिजली, पानी और स्कूल में सुधार देकर लगता है कि MCD में भी अगर केजरीवाल आ गया तो काम, सफाई, सड़क, स्ट्रीट लाइट, स्कूल जैसे मुद्दों पर बेहतर तरीके से और हो सकता है। दोस्तों, यही वो चीज़ है जो बीजेपी में दिल्ली के अंदर घबराहट पैदा कर रही है। इसीलिए न केवल मुख्यमंत्रियों बल्कि देश के रक्षा मंत्री तक को सड़क पर निगम चुनाव के लिए वोट मांगने के लिए उतार दिया गया है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।